जिल एंड एन टूडेज वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ न्यूक्लियस अब तक आपने सारे सेल ऑर्गेनल्स कंप्लीट कर लिए होंगे माइक्रोबॉडीज भी कम्प्लीट कर ली होगी आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू सी अबाउट न्यूक्लियस ओके नाओ लेट मी टेल यू ये यहाँ पर एक मैं जी आई एफ प्ले कर रही हूँ ये जी आई एफ है न्यूक्लियस का ठीक है तो इसके अंदर जी में हमने स्पेसिफिकली दिखाया है अबाउट न्यूक्लियर पोर वी हैव शोन न्यूक्लियर पोर इन दिस जी ठीक है बट यहाँ से आपको एक ओवरऑल थोड़ा बहुत आइडिया मिलेगा न्यूक्लियस के बारे में अगर आप इसको देखो तो इसमें न्यूक्लियस को पूरा जूम करके दिखाया गया है सी दिस इज़ न्यूक्लियस उसको जूम करके अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है उसकी मेम्ब्रेन है इन सबको दिखाया है ठीक है तो बेसिक नॉलेज आप सबको होगी न्यूक्लियस के बारे में तो अब हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं ओके सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन सो न्यूक्लियस एज अ सेल ऑर्गेनल वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाई रॉबर्ट ब्राउन सबसे पहले न्यूक्लियस को डिस्क्राइब किया था रॉबर्ट ब्राउन ने इन 1831 कब डिस्क्राइब किया था इन 1831 थर्टी वन ठीक है उसके बाद क्या हुआ कि जो न्यूक्लियस है उसको स्टेन किया गया बेसिक डाई से यहाँ पे हमने डाई का एग्जाम्पल लिया है तो कारमाइन ठीक है और उसको नाम दिया गया था क्रोमैटिन बाई फ्लेमिंग फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया था उसको नाम दिया था क्रोमेटिन उसको कौन सी डाई से स्टेन किया था यह हमें याद रखना है कौन सी डाई से उसको स्टेन किया गया है तो इट वॉज स्टेन बाई एसिटो तो कार्माइन एसीटोकार तो कैसी डाई है इट इज़ अ बेसिक डाई ठीक है अब न्यूक्लियस बेसिकली डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है ठीक है ये हो गई सिंगल मेंब्रेन ये हो गई डबल मेम्ब्रेन तो इस तरह से डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है उसके अंदर डेंस प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी है यानी इसके अंदर क्या है बहुत ज़्यादा डेंस इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म भरा हुआ है ठीक है ये प्रोटोप्लाज्म रिस्पॉन्सिबल है सारी हमारी सेल्यूलर एक्टिविटीज़ ऑर्गेनल्स की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए ठीक है तो हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ है इन सबको कंट्रोल करने के लिए ये डेंस प्रोटोप्लाज्म रिस्पॉन्सिबल है हमारी जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो भी इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर ही है अब क्योंकि ये प्रोटोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर है तो हम इसको प्रोटोप्लाज्म नहीं बोलेंगे वी विल कॉल इट न्यूक्लियो प्लाजम वॉट विल वी कॉल वी विल कॉल इट न्यूक्लियो ठीक है न्यूक्लियस का साइटोप्लाज्म है तो हम इसे बोलेंगे न्यूक्लियो अब न्यूक्लियस को कंसिडर किया जाता है डिरेक्टर और कंट्रोलर ऑफ द सेल क्योंकि हमारे सेल की जितनी भी एक्टिविटीज़ है इन सब को कंट्रोल करता है न्यूक्लियस हमारे पूरे सेल को गाइड करता है न्यूक्लियस न्यूक्लियस बताता है कि अब सेल को डिवाइड होना है अब सेल को प्रोटीन सिंथेसिस करना है अब ये कोई फॉरेन पार्टिकल आया तो उसको एनगल्फ़ करना है ये सारी इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस देता है तो इसलिए न्यूक्लियस क्या हो गया डायरेक्टर हो गया एज वेल एज कंट्रोलर हो गया ठीक है अब बहुत टाइम से हम जानते हैं कि जो न्यूक्लियस है ये हमारे हेरिडिटी कैरेक्टर्स को भी कंट्रोल करता है हमारे ग्रोथ मेटाबॉलिज़म सबको कंट्रोल करता है जैसे कि आज हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो है रिजेम्बल करते हैं हमारे पेरेंट्स से ठीक है वी रिजेंबल अवर पेरेंट्स क्यों हम रिजेंबल करते हैं बिकॉज़ देर आर जीन्स जो हमने हमारे पेरेंट्स से इनहेरिट किए हैं तो ये जो सारा जेनेटिक मटेरियल है जेनेटिक मटेरियल कहाँ पे प्रेजेंट है तो जितना भी जेनेटिक मटेरियल है सारा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल है हमें हमारे जेनेटिक यानी हेरिडिटी कैरेक्टर्स देने में अब ये चीज़ आज हमें इतनी कॉमनली पता है उस टाइम जब न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी उस टाइम ये चीज़ें इतनी कॉमनली नहीं पता थी तो उस टाइम ये सारी इन्फॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू गेन की गई थी ठीक है तो हैमरलिंग ने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया था एसिटाबुलेरिया के ऊपर एसिटाबुलेरिया आपने सेल चैप्टर के अंदर सुना होगा एसिटाबुलेरिया सेल चैप्टर में अभी जब आपने ये पढ़े होंगे लार्जेस्ट प्लांट सेल तो उसके अंदर आपने देखा होगा एसिटाबुलेरिया इज लार्जेस्ट प्लांट सेल सिंगल सेल है एसिटाबलेरिया और वो क्या है एक एलगे है ठीक है तो एसिटाबुलेरिया के न्यूक्लियस के ऊपर हैमरलिंग ने सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे ठीक है और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से फिर जो जो फाइंडिंग्स थी उसको बताया था उसको पब्लिश किया था अब इन जनरल अगर हम देखें तो जो यू सेल होता है उसमें एटलीस्ट एक न्यूक्लियस तो होता ही है मान लो ये हमारा एक सेल है तो उसमें एक न्यूक्लियस तो हो होगा ही होगा ठीक है बट अब यहाँ पे कुछ क्या है एक्सेप्शन्स है क्या है यहाँ पे एकप्शन्स है एक्सेप्शन्स क्या है वो मैं आपको बताऊँगी तो अगर हम बात करें आपके मेच्योर आर की यानी मेच्योर रेड ब्लड सेल जो ऐसे डिस्कॉइडल शेप का होता है तो जो मेच्योर आर है ये लैक करता है न्यूक्लियस मैच्योर आर क्या करता है लैक करता है न्यूक्लियस मेच्योर आर के पास न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता किसके अंदर मैमल्स के अंदर अब इसका रीज़न है क्यों मैच्योर आर के पास न्यूक्लियस नहीं होता तो उसका रीज़न ये है कि जो मेच्योर आर है उसका मेन प्राइमरी फंक्शन है ऑक्सीजन को कैरी करना क्या उसका मेन प्राइमरी फंक्शन है ऑक्सीजन को कैरी करना अब अगर बीच में न्यूक्लियस होगा सेल ऑर्गेनल्स होंगे तो आपका जो आर है उसके पास बहुत कम स्पेस बचेगी ऑक्सीजन कैरी करने के लिए और वो बहुत कम ऑक्सीजन को कैरी कर पाएगा तो ऐसा ना हो इसलिए आपका जो आर है ये पूरा खाली रहता है कोई ऑक्सीजन कोई न्यूक्लियस नहीं है कोई ऑर्गेनल्स नहीं है उसके पास ये सारी चीज़ें एब्सेंट है जिससे कि वो मैक्सिमम स्पेस यूज कर सके ऑक्सीजन को कैरी करने में ठीक है तो इसलिए जो मेच्योर आर है उसके पास न्यूक्लियस नहीं होगा वैसे ही अगर आपसे पूछा जाए प्लांट सेल में तो प्लांट सेल के अंदर मेच्योर फ्लोएम के सीव ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं होता ठीक है मेच्योर फ्लोएम प्लांट सेल के अंदर आपने देखा होगा कि फ्लोएम का काम होता है फ़ूड ट्रांसपोर्ट करना फ्लोएम के अंदर चार तरह के सेल्स होते हैं एक होते हैं सीव ट्यूब फिर होते हैं कंपेनियन सेल फ्लोएम पैरन और फ्लोएम फाइबर्स तो ये चार तरह के सेल होते हैं इसमें से जो सीव ट्यूब है इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता अब अगेन व्हाट इज़ द रीज़न इसके पास क्यों न्यूक्लियस नहीं होता तो जो सीव ट्यूब का स्ट्रक्चर है वो पूरा पोरस है जैसे छन्नी होती है ना छन्नी जैसा स्ट्रक्चर है सीव ट्यूब का ठीक है सीव ट्यूब का स्ट्रक्चर कैसा है पूरा पोरस है छन्नी जैसा स्ट्रक्चर है सीव ट्यूब का ऐसे पूरा ऐसे पोर्स पोर्स वाला होता है तो इसके पास जगह ही नहीं है न्यूक्लियस के लिए बट इसका ऐसे कंपेनियन सेल्स होते हैं इसके आजू बाजू इस तरह से ठीक है तो ये जो कंपेनियन सेल होता है उसके पास बड़ा सा न्यूक्लियस होता है और कंपेनियन सेल के जो न्यूक्लियस है उससे सीव ट्यूब को कंट्रोल किया जाता है आप पूछोगे कि आर जो है उसके पास न्यूक्लियस नहीं है फिर भी हम उसको सेल बोलते हैं सीव ट्यूब के पास न्यूक्लियस नहीं है फिर भी हम उसको सेल बोलते हैं तो जो आर है मेच्योर आर को हम सेल नहीं बोलते उसे हम बोलते हैं रेड ब्लड कॉर्पसल क्या बोलते हैं उसे हम रेड ब्लड कॉर्पसल एंड रही बात सीव ट्यूब की तो सीव ट्यूब के सराउंडिंग जो कंपेनियन सेल है उसके पास न्यूक्लियस है लार्ज न्यूक्लियस है वो पूरा कंट्रोल कर लेता है सीव ट्यूब को ठीक है तो ये समझ में आया हमने क्या एक्सेप्शन देखे हमने देखा कि मैमल के न्यूक्लियस मैमल के आर के पास न्यूक्लियस नहीं होता और प्लांट के अंदर मेच्योर सीव ट्यूब के पास न्यूक्लियस नहीं होता अब इसमें भी एक्सेप्शन है इसमें क्या एक्सेप्शन है तो जितने भी मैमल्स हैं ठीक है ठीके? सब के आर बी सी में न्यूक्लियस तो एबसेंट है ना बट एक्सेप्ट एक्सेप्ट कैमल एंड लामा लामा भी ऐसे लामा लामा कैसा दिखता है शिप लाइक दिखता है जो शिप होती है उसके जैसा होता है बट थोड़ा सा उसका स्ट्रक्चर अलग है मतलब थोड़ी सी अलग स्पीशीज़ है बाकी कैमल और लामा के अंदर न्यूक्लियस में आर में न्यूक्लियस होता है ठीक है तो ये एक्सेप्शन है सारे मैमल्स के आर में न्यूक्लियस एबसेंट होगा सिर्फ कैमल और लामा के आर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा ठीक है ये समझ में आया तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि जितने भी सेल्स होते हैं सब में एटलीस्ट एक न्यूक्लियस तो होता ही है कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जिसमें दो न्यूक्लियस होता है दो न्यूक्लियस वाले को हम बोलते हैं डाई क्या बोलते उसको हम डाई कैरियोटिक डाई कैरियोटिक का मतलब है दो न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस किस में होते हैं तो आपने ये पढ़ा होगा दो न्यूक्लियस होते हैं पैरामीशियम में किस में होते हैं दो न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस होते हैं पैरामीशियम सेल के अंदर एक को हम बोलते हैं माइक्रो न्यूक्लियस और एक को हम बोलते हैं मैक्रो न्यूक्लियस ठीक है तो पैरामीशियम कैसा है डाई कैरियोटिक यानी कि उसमें दो न्यूक्लियस है हमारा जो मसल सेल होता है ठीक है हमारे अंदर तीन तरह के मसल्स होते हैं स्ट्राइटेड स्मूथ और कार्डियक आई एम टॉकिंग अबाउट स्ट्राइटेड यानी कि हमारा जो स्केलेटल मसल होता है वो होता है मल्टी न्यूक्लिएट मल्टी न्यूक्लिएट का मतलब है ये स्ट्राइशंस है इसके अंदर ठीक है तो इसके एक ही सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो आपका जो मसल सेल होता है वो कैसा होता है मल्टी कैरियोटिक आप उसे बोल सकते हो मल्टी न्यूक्लिएट अब ये आपको ध्यान से याद रखना है ये क्वेश्चन आपको एम सी क्यू के अंदर आ सकता है कि हम हमारे सारे सेल्स में न्यूक्लियस होता है एक्सेप्ट तो आपको पता होना चाहिए कौन सा सेल डाई कैरियोटिक होता है तो आपको पता होना चाहिए कौन सा सेल मल्टी होता है ये भी आपको पता होनी चाहिए ठीक है तो ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको एम के अंदर आ सकते हैं ठीक है क्लियर है इतना ओके okay. आगे बढ़ते हैं नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस स्ट्रक्चर ऑफ इंटरफेज न्यूक्लियस इंटरफेज न्यूक्लियस का मतलब ऐसा न्यूक्लियस जो अभी डिवाइड नहीं कर रहा है ठीक है हम लोग डिवाई सेल डिवीजन में देखेंगे डिवाइडिंग न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा होता है अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंटरफेज न्यूक्लियस यानी कि ऐसा न्यूक्लियस विच इज़ नॉट डिवाइडिंग राइट नाउ ठीक है nucleus, right now, तो इंटरफेज न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में आपको क्या क्या चीज़ें मिलेगी यू विल गेट टू सी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसे बोला जाता है कैरियो न्यूक्लियस के अंदर जो भी आप टर्म्स यूज़ करोगे ना तो लैटिन में हम कैरियन वर्ड यूज़ करते हैं ठीक है तो जैसे प्रो कैरियोटिक प्रिमेटिव कैरी ऑन फॉर न्यूक्लियस यू कैरियोटिक वेल डेवलप अगेन कैरी ऑन फॉर न्यूक्लियस कैरियोथीका कैरियो न्यूक्लियर थीका का मतलब होता है मेम्ब्रेन कैरियो क्या हुआ न्यूक्लियस और थीका का मतलब क्या हुआ मेम्ब्रेन तो न्यूक्लियस के पास आप क्या चीज़ें देखोगे यू विल बी सीइंग फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मैट्रिक्स यानी न्यूक्लियस के अंदर का जो फ्लूड है उसे आप न्यूक्लियो भी बोल सकते हो जो अभी मैंने आपको पहले बताया न्यूक्लियो अब न्यूक्लियस की जगह पे हमने क्या इसको पूरा लैटिन में बोला तो हमने बोल दिया इसको कैरियोलिम्फ क्या बोला हमने इसको कैरियोलिम्फ या आप बोल सकते हो कैरियो ठीक है तो अगेन ये अलग अलग नाम आपको जहाँ जहाँ पे भी आए यू हैव टू रिमेम्बर देम फॉर एम सी क्यू आपको एम सी क्यू के अंदर ये पूछा जा सकता है कि न्यूक्लियर मेट्रिक्स क्या है न्यूक्लियो क्या है कैरियोलिम्फ कैरियो तो आपको पता होना चाहिए ये सारी एक ही चीज़ है ओके okay? क्लियर हुआ ये चलो फिर उसके बाद थर्ड स्ट्रक्चर क्या प्रेजेंट है न्यूक्लियस में क्रोमेटीन नेट तीसरा स्ट्रक्चर क्या प्रेजेंट है क्रोमेटिन नेट क्रोमेटिन नेट का मतलब ऐसे सारा ये जो क्रोमेटिन फाइबर्स है ये इस तरह से ऐसे नेट के जैसे पूरा उलझा हुआ प्रेजेंट होता है न्यूक्लियो में ऐसे साइड में यहाँ पे न्यूक्लियोलस होगा और ये सारा जेनेटिक मटेरियल आपका ऐसे उलझा हुआ होगा ये न्यूक्लियस की डबल मेम्ब्रेन है ठीक है और क्रोमेटिन नेट यानी कि ये चीज़ हो गई फोर्थ है न्यूक्लियोलस ये है न्यूक्लियोलस न्यूक्लियोलस को बोला जाता है लिटल न्यूक्लियस या राइबोसोम फैक्ट्री राइबोसोम फैक्ट्री इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या करता है ये स्टोर करता है राइबोसोम को ठीक है राइबोसोम को सिंथेसाइज़ करता है और राइबोसोम हमारे सेल का इंजन बोला जाता है अगेन ये भी आपने पढ़ा होगा राइबोसोम इज नोन एज इंजिन ऑफ सेल प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल क्योंकि राइबोसोम क्या करता है हमारे सेल के लिए प्रोटीन सिंथेसिस करता है क्या करता है राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस अब हमने जो पार्ट्स देखे न्यूक्लियस के चार न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियो मेट्रिक्स नेट और न्यूक्लियोलस इसको हम एक डायग्राम के थ्रू देखेंगे ठीक है लेटस्ट सी ओके तो ये डायग्राम सबको क्लियरली विजिबल होगा ठीक है इसको अच्छे से एकदम देखो पहले तो मैं आपको इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन हाईलाइट कर देती हूँ देखो ये जो है ये आपको इसमें कुछ आपको रॉकेट साइंस लगाने की ज़रूरत नहीं है क्लियर आपको दिख रहा है व्हाट इज़ दिस इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो ये एरो देख लो क्लियर हो गया इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है ठीक है अब नेक्स्ट देखो ये मेम्ब्रेन आपको दिख रही होगी थोड़ी कैसी है मोटी सी है ठीक है तो ये है इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ठीक है हमने क्या देखा इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो फर्स्ट पार्ट था वो देख लिया उसके बाद देखो न्यूक्लियो ठीक है न्यूक्लियो यानी न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटीरियल सब है सारा उसका जो भी फ्लूड वुइड पार्ट है ये सारा होता है न्यूक्लियो तो ये सारा क्या है न्यूक्लियो ओके इसको हम क्या लेबल कर देंगे न्यूक्लियो अब मैंने आपको बताया था न्यूक्लियो को और क्या बोलते हैं कैरियोलिम्फ कैरियो न्यूक्लियर मेट्रिक्स अलग अलग नाम से हम इसको बुला सकते हैं ठीक है तो हमने ये मेम्ब्रेन देख ली न्यूक्लियर प्लाज्म देख लिया ठीक है उसके बाद यहाँ पे इसको न्यूक्लियर लेमिना भी बोला है ये अंदर देखो छोटा सा क्या है इसको बोलेंगे न्यूक्लियोलस स्मॉल न्यूक्लियस राइबोसोम फैक्ट्री ये सारी चीज़ें हम इसको बोल सकते हैं फिर यहाँ पे सारा क्या है क्रोमेटिन थ्रेड है ये सारा जेनेटिक मटीरियल है यहाँ पर ओके अब देखो पेरी न्यूक्लियर स्पेस पेरी न्यूक्लियर स्पेस का मतलब है न्यूक्लियस के अंदर बीच में क्या स्पेस है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में क्या स्पेस है ठीक है सपोज ये आउटर मेम्ब्रेन है ये इनर मेम्ब्रेन है ये जो बीच की स्पेस है इसको हम बोलेंगे पेरी न्यूक्लियर स्पेस यानी दो पेरीफेरी के बीच में स्पेस है अब ये जो पेरी न्यूक्लियर स्पेस है इसके अंदर पोर्स प्रेजेंट होते हैं सारा सामान एक्सचेंज करने के लिए ठीक है तो वो पोर्स को हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर क्या बोलते हैं ऐसे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिससे बाहर का अंदर आ सकता है अंदर का बाहर जा सकता है तो इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर ठीक है साथ साथ वहाँ पे राइबोसोम्स भी जुड़े हुए हैं राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे ठीक है वो राइबोसोम कहाँ से आए ई आर से आए आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये यह देखिए यहाँ पे पूरा ई ER आर है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है उसके साथ ई ER आर इसलिए अटैच्ड है क्योंकि ई ER आर सारा कुछ ये जैसे जैसे न्यूक्लियस बोलेगा वैसे वैसे न्यूक्लियस डिरेक्टर है तो ये सारा मटीरियल बनाएगा चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करेगा प्रोटीन बनाएगा ठीक है ये सारी चीज़ें करेगा तो इसलिए रफ ई आर ER यहाँ पर प्रेजेंट होगा कौन सा ई आर ER प्रेजेंट होगा यहाँ पे रफ़ ई आर ठीक है तो रफ ई आर विल बी प्रेजेंट वो न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग चीजों को सिंथेसाइज करेगा ठीक है ये क्लियर हुआ एक और चीज यहां पे दी गई है साइटोजोल क्या दिया गया है साइटोजोल साइटोजोल का मतलब है सॉलिड पार्ट ऑफ ये आजू बाजू क्या होगा सब सॉलिड पार्ट होगा साइटोप्लाज्म का ये सेल होगा सेल के अंदर होगा ये न्यूक्लियस ठीक है चलो आई होप ये डायग्राम आपको एकदम अच्छे से समझ में आ चुका है नाउ let us move forward ओके okay. अब ये सारी चीज़ों का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एक बार हम देख लेंगे सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ठीक है तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से ये पता चला है कि न्यूक्लियर एनवलप एक होता है जिसमें ये आ जाती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपकी इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन ठीक है उसके बीच की स्पेस जो दस से पचास नैनोमीटर जितनी है, ठीक है, है इसको हम बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस ठीक है तो न्यूक्लियर एनवलप में क्या क्या है दो पैरल मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन और उनके बीच की स्पेस जिसे हम बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस अब ये जो मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की वो एक बैरियर बना के रखती है बिटवीन मटेरियल्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। जो मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर है और साइटोप्लाज्म में है उसके बीच में क्या करके रखती है ये एक बैरियर बना के रखती है ठीक है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक बैरियर बनाएगी आउटर मेम्ब्रेन जो है वो ई ER के साथ कंटिन्यूटी में होती है ये अभी हमने डायग्राम के थ्रू देखा कि रफ ई ER जुड़ा हुआ होता है आउटर मेम्ब्रेन के साथ उसके ऊपर राइबोसोम्स भी होते हैं ठीक है राइबोसोम्स इसलिए है जिससे कि वो क्या कर सके प्रोटीन सिंथेसिस कर सके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स भी है वो भी हमने देखा जिसे हम न्यूक्लियर पोर बोलते हैं और वो पोर बनते कैसे हैं दो मेम्ब्रेन की फ्यूजन होती है उससे वो पोर्स बनते हैं ठीक है ठीके? अब ये न्यूक्लियर पोर वो जगह है न्यूक्लियर पोर इज द पैसेज जहाँ से मूवमेंट हो सकता है आर प्रोटीन इन सबका जैसे न्यूक्लियस ने प्रोटीन वोटीन बनाया उसको बाहर भेजना है तो न्यूक्लियर पोर से भेजेगा उसे कुछ रॉ मटेरियल बाहर से चाहिए अंदर लाना है तो न्यूक्लियर पोर के थ्रू आएगा तो न्यूक्लियर पोर से बोथ डायरेक्शन में मूवमेंट होती है इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड न्यूक्लियस और साइटोप्लाजम के बीच में दोनों डिरेक्शन में मूवमेंट होगी इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड ठीक है ये समझ में आया अब हम लोग देखने वाले हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग न्यूक्लियर पोर का कॉन्स्टिट्यूएशन ठीक है कि कैसे बना है न्यूक्लियर पोर तो न्यूक्लियर पोर जो है इस गार्डेड बाई ऑक्टागोनल डिस्कॉइट स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियो प्लाज्मीन प्रोटीन ठीक है यानी कि जो न्यूक्लियर पोर है उसके सराउंडिंग ऑक्टागोनल ऑक्टागोनल मतलब क्या होता है एट जैसे पेंटागोनल यानी फाइव साइड वैसे ऑक्टागोनल क्या होता है आठ साइड आठ साइड वाला स्ट्रक्चर है ये सपोज न्यूक्लियर पोर है तो उसको वो स्ट्रक्चर पूरा इसे कवर कर रहा है ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर ठीक है क्या है वो न्यूक्लियो प्रोटीन से बना है द इनर साइड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज लाइन बाई न्यूक्लियर लेमिना यानी अंदर की तरफ लेमिना है लेमिना किससे बना है लेमिन प्रोटीन से बना है किससे बना है लेमिन प्रोटीन से ठीक है अब मैं आपको वो जी आई एफ दोबारा से दिखाऊंगी जिसमें ज़ूम करके हमने न्यूक्लियर पोर देखा था तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि न्यूक्लियर पोर कैसा दिखता है ठीक है ओके सी दिस अब देखो ये पूरा जूम हो रहा है एंड सी ये पूरा ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर था जो न्यूक्लियर पोर को गार्ड कर रहा है ठीक है इसमें आपको फिलामेंट्स दिख रहे होंगे थ्रेड लाइक ये देखो धागे धागे जैसे सारे फिलामेंट्स विलामेंट्स दिख रहे होंगे ठीक है जो लेमिनिन प्रोटीन है न्यूक्लियो प्रोटीन है ये सब आपको दिख रहा होगा ओके चलो अब क्या है न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन हमने देखा हमने लैमिन प्रोटीन के बारे में देखा तो ये हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को कंप्लीट कर लिया अब हम लोग सेकेंड पार्ट देख रहे हैं दैट इज न्यूक्लियो और कैरियोलिम्फ ठीक है अब जो न्यूक्लियो है या न्यूक्लियर सैप है न्यूक्लियर सेप का मतलब है फ्लूइड न्यूक्लियस के अंदर का जो फ्लूइड है वो ग्राउंड सब्सटेंस है न्यूक्लियस का जो एक कॉम्प्लेक्स कोलोइडल सोल्यूशन टाइप का होता है कैसे सोल्यूशन होता है कॉलोइडल सोल्यूशन किस से बनता है तो उसमें न्यूक्लियोटाइड है न्यूक्लियोसाइड है ए टी पी है प्रोटीन है एंजाइम्स है अब ए टी पी प्रोटीन एंजाइम आपको पता होगा आप सोचोगे वॉट इज न्यूक्लियोटाइड एंड वॉट इज न्यूक्लियोसाइड ठीक है तो जो पूरा आपका डी एन ए का स्ट्रक्चर होता है ठीक है अगर वो पूरा स्ट्रक्चर उसमें न, ना नाइट्रोजेनस बेज होते हैं एडिनाइन थाइमाइन ग्वानाइन साइटोसिल ये सारे बेज होते हैं अब इसके साथ अगर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है तो हम उसको बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड और अगर फॉस्फेट ग्रुप नहीं है तो हम इसको बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड ठीक है तो ये सारी चीज़ें किस में होती है न्यूक्लियो या कैरियोलिम्फ के अंदर आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी अब यहाँ पे हम पहले डिस्क्राइब करेंगे क्रोमेटिन नेट टर्म क्रोमेटिन नेट दिया था फ्लेमिंग ने ठीक है अब इन न्यूक्लियस अगर इंटरफेस में है यानी कि डिवाइड नहीं कर रहा है तो उसके पास लूज लूज सा सारा ऐसा जेनेटिक मटीरियल होगा ऐसा नेट नेट जैसा ऐसा स्ट्रक्चर होगा अंदर पड़ा हुआ ठीक है न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स होंगे जिसे हम बोलते हैं क्रोमेटिन ये सारे न्यूक्लियो प्लाज्म में भरे होंगे क्रोमेटिन नेट जो है वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स से बना होता है नाउ यू हैव टू रिमेंबर दिस दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट किस से बना है क्रोमेटिन नेट डी से बना है और हिस्टोन प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स से बना है क्रोमेटीन फाइबर के पास आपकी सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है और वो कंडेंस होके क्रोमोजोम बनाता है जब सेल डिवाइड करना होता है तो ये जो नेट है या आपका जो नेट लाइक स्ट्रक्चर है ये कंडेंस होके फिर ऐसा क्रोमोजोम बना देगा जब आपका सेल डिवाइड करेगा तब ठीक है तो वो कंडेंस होके क्या बनाएगा क्रोमोजोम बनाएगा अब अलग अलग स्टेज होते हैं सेल साइकिल के सेल डिवीजन के जो हम आगे देखने वाले हैं उसमें क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर आपको अलग अलग दिखेंगे कभी कंडेंस्ड है कभी वो पैर में है ठीक है कभी ब्रेक हो रहा है डिवाइड हो रहा है तो ये आपको सेल डिवीजन के वक्त दिखते हैं अगर आप न्यूक्लियस इंटरफेज में देख रहे हो मतलब जब सेल डिवीजन नहीं हो रहा है तो आपको सिर्फ ऐसे क्रोमेटिन थ्रेड दिखेंगे आपको प्रॉपर क्रोमोसोम नहीं दिखेगा ठीक है अगर न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है उसी वक्त आपको क्रोमोजोम दिखेगा क्रोमैटीन केमिकली किससे बना है तो क्रोमैटीन बना है डीएनए और आरएनए और हिस्टोन प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन कैसा है बेसिक प्रोटीन है नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी होते हैं सो केमिकली क्रोमैटीन इज अप ऑफ डी एन ए आर एन एंड नॉन हिस्टोन, हिस्टोन प्रोटीनस दो तरह की आपकी क्रोमैटीन नेट होती है यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन ठीक यू है यूक्रोमैटिन एक ऐसा क्रोमैटिन है जब मतलब ये आपका ठीक है न्यूक्लियस है इसमें सारा ऐसे क्रोमैटिन का नेट पड़ा हुआ है अब जब मैं इसको स्टेन करूँगी तो इसका कुछ पार्ट ऐसा होगा जो बहुत लाइटली स्टेन होगा जिससे हम यू क्रोमैटिन बोलते हैं और ये जेनेटिकली बहुत एक्टिव होगा मतलब इसके पास बहुत सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगी हेट्रोक्रोमेटिन यानी इसका एक ऐसा पार्ट देखो इसका मैं इमेजिन यहाँ पे बता रही हूँ कि ये पार्ट है जो बहुत लाइट स्टेन हुआ और ये वाला पार्ट है जो बहुत ही डार्क स्टेन हुआ तो जो लाइट स्टेन हुआ वो होगा यूक्रोमेटिन डार्क वाला होगा हेट्रोक्रोमैटिन तो हेट्रोक्रोमेटिन डार्क स्टेन होता है और जेनेटिकली लेस एक्टिव या इनएक्टिव होता है मतलब उसके पास ज़्यादा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है यूक्रोमेटिन के पास ज़्यादा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ठीक है चलो आगे देखते हैं इनकी भी टाइप्स होती है यू हेट्रोक्रोमाटिन की टाइप्स देखेंगे यहाँ पे एक कम्पेरिज़न के लिए मैंने स्ट्रक्चर आपको दिखाया है कि यू सेल का न्यूक्लियस कैसा दिखता है और प्रो का न्यूक्लियस कैसा दिखता है अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये प्रो कैरियोटिक सेल है इसमें कुछ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये सेल नहीं है ये सिर्फ मैंने दोनों के न्यूक्लियस का कम्पेरिजन दिखाया है अब यहाँ पे देख रहे हो सीधा क्या है? ये पूरा जेनेटिक मटेरियल है है ना ये सेल है सेल के अंदर डायरेक्ट जेनेटिक मटेरियल है है ना और अब यहाँ पे क्या है तो यहाँ पे आपको दिख रहा है अंदर न्यूक्लियस है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियोलस है प्रोटीन है ठीक है बहुत सारी चीज़ें हैं तो यू और प्रो में मेम्ब्रेन का तो डिफरेंस है ही जो प्रो का न्यूक्लियस होता है उसे न्यूक्लियस नहीं बोलते रॉन्ग बोलते न्यूक्लियस उसे बोला जाता है न्यूक्लियोइड क्या बोला जाता है उसे न्यूक्लियोइड बोला जाता है इसको न्यूक्लियस बोलते हैं सारा जेनेटिक मटेरियल है डबल मेम्ब्रेन है और इसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड ये याद रखना है एग्जाम में आ सकता है व्हाट इज न्यूक्लियोइड तो तुमको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोइड किसे बोला जाता है ठीक है ये एक और स्ट्रक्चर है देखो सेल है सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है ठीक है ये न्यूक्लियस है न्यूक्लियस में डीएनए है आरएनए है ठीक है डीएनए से आरएनए कैसे बनता है डबल स्टैंडर्ड है आरएनए होता है सिंगल स्टैंडर्ड ठीक है ठीके? फिर प्रोटीन चेंज जुड़ती है ये सब तो बहुत डिटेल में सेल डिविजन में तुम लोग पढ़ोगे अगेन दिस इज़ अ स्ट्रक्चर प्रो कैरियोटिक वर्सेज़ यू कैरियोटिक दिस इज़ यू कैरियोटिक दिस इज़ प्रो कैरियोटिक ठीक है तो एक कंपेरिजन है ठीक है ये क्लियर हुआ हम हाँ मैं आपको वो बता रही थी कि यूक्रोमाटीन और हेट्रोक्रोमाटिन यहाँ पे देखिए ये टाइप्स है अपना ठीक है किसका टाइप है हेट्रोक्रोमाटीन का टाइप है हेट्रोक्रोमाटिन यानी कैसा ऐसा था एक ऐसा क्रोमाटीन जो डार्क स्टेन होता है लेस जेनेटिकली एक्टिव होता है तो उसमें क्या है कंस्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमाटिन यानी सारे सेल्स के अंदर सारे स्टेजेस में ऐसा होता ही है कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमैटिन होता ही है ठीक है सेंट्रोमेरिक रीजन पे आप क्रोमोसोम पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमैटिन ये सिर्फ कुछ सेल्स के कुछ स्टेजेस में ही आपको दिखता है जैसे फीमेल की बार बॉडी में दिखेगा अब बार बॉडी क्या है ये जब मैं आपको क्रोमोसोम समझाऊंगी तब आपको बताऊंगी व्हाट इज बार बॉडी उसके बाद है न्यूक्लियोलस तो कैसे है स्फेरिकल है मेम्ब्रेन नहीं है इसकी ठीक है न्यूक्लियोलस का कंटेंट पूरा जुड़ा हुआ है न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ वहाँ पे आरएनए का सिंथेसिस होता है राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस होता है ठीक है अब जिस साइट पे न्यूक्लियोलस जुड़ा है क्रोमैटीन से मान लो ये क्रोमैटीन है और यहाँ पे ऐसे न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस है न्यूक्लियस के अंदर तो जिस साइट पे जुड़ा है उस साइट को बोलते हैं न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन क्या बोलते हैं उस साइट को न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन एन ओ आर अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो आपको सीधा ऐसे ही पूछ सकते हैं एन ओ आर क्या है तब आपको पता होना चाहिए दैट इज़ न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन न्यूक्लियोलस को क्या बोलते हैं राइबोसोम फैक्ट्री बोलते हैं जितना लार्जर और जितने ज़्यादा न्यूक्लियोलाई होंगे उतने सेल्स एक्टिव होंगे प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए क्यों एक्टिव होंगे प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए उसका रीज़न क्या है क्योंकि न्यूक्लियोलस के पास क्या है राइबोसोम है राइबोसोम क्या करता है प्रोटीन सिंथेसिस सेल जितना बड़ा जितने ज़्यादा न्यूक्लियोलस उतना ज़्यादा वो सेल प्रोटीन सिंथेसिस करेगा उतना ज़्यादा वो सेल एक्टिव होगा ठीक है तो ये क्लियर हुआ है सबको ओके okay. अब हम लोग का यहाँ पे न्यूक्लियस का एक पार्ट कंप्लीट हो गया कि हमने न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है उसको हमने देख लिया ठीक है हमने क्या क्या देख लिया हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देख ली कि हाँ आउटर इनर मेम्ब्रेन है पोर्स है पोर्स का स्ट्रक्चर हमने देखा हमने न्यूक्लियोप्लाज्म देखा क्रोमेटिन नेट देखा और न्यूक्लियोलस देखा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग डिटेल में स्टडी करने वाले हैं अबाउट क्रोमोजोम ठीक है किस में स्टडी करने वाले हैं क्रोमोज़ोम पे अगर आपको कोई भी डाउट था इस लेक्चर में अगर कुछ भी टॉपिक ऐसा है, नहीं समझ में आया तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करके बता दीजिए तो आपके डाउट सॉल्व हो जाएंगे ठीक है एंड आई होप कि आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आया और सब कुछ पसंद आया ओके थैंक यू